अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सभी से होगी न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबरें बताने वाला हूँ, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और जिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी कुछ एक खुशखबरी है जो कि आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है दुबई के अंदर, जितनी भी जीसीसी कंट्री हैं उनके लिए खुशखबरी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर उसके बाद मैं बताऊँगा एक लिस्ट मांगी गई है जिन लोगों को निकलना है। लेकिन अभी जो दुबई के अंदर जीसीसी कंट्रियाँ जितने भी हैं उन्होंने एक वैक्सीन तैयार की गई है जिसमें के दुबई के अंदर, और लेकिन वो वैक्सीन जो है अभी जो है पिछले संडे को जो है अपने ऊपर ही इस्तेमाल किया है। किसने अपने ऊपर इस्तेमाल किया वो मैं आपको बता देता हूँ, अब्दुल रशीद रहमान ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया। और ये जो है अगर इससे फ़ायदा होता है तो उसके बाद में जो है जितने भी जिससे कंट्रियाँ हैं पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाएगा और उसके बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो भी है ज़िंदगी पहले पटरी पर चल रही थी इसी तरह से वापस लाया जाएगा। और ये जो बड़ी खुशखबरी होने वाली है अगर इससे इंशाल्लाह जो है फैज़ मिलता है या किसी भी तरह से कोई भी अपडेट आती है इसके हवाले से तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह जो ये वैक्सीन लगाई है या ली है तो उसके हिसाब से फैज़ मिले और इसका जो असर दिखाई देवे ताकि ये जितनी भी कंट्रियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है सप्लाई हो सके। और सबसे पहले जो देने का ऐलान किया है वो ये किया है जितने भी डॉक्टर जितने भी नर्स वगैरह या जितने भी मेडिकल स्टाफ है जो कि कोरोना वायरस महामारी में सबसे आगे चल रहा है लड़ाई में, तो उसी को सबसे पहले ये दी जाएगी और उसके बाद में जो पब्लिक में निकाली जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को इस चीज़ की मालूम हो सके। अब पढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मार्केट के हवाले से। जैसे कि कुवैत के अंदर अभी जो है अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग एरियों में सादा वर्दी में भी और काफ़ी सारी अलग अलग जो टीमें हैं जहां पे कोई आता जाता नहीं है जिन जगहों पे, तो वहां पे भी अभी चेकिंग वगैरह चल रहे हैं और हर तरीके से टीमें घूम रही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोगों को जो है अलग अलग एरिया में टीमें घूम रही हैं और आप खास करके ध्यान रखिएगा और उन दुकानदारों पर नज़र रखी जा रही है जो सेल्समैन वगैरह करते हैं या दुकान पे काम करते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आप पे किसी भी तरह का जुर्माना वगैरह ना पड़ जाए और आपकी हो सकता है दुकान वगैरह भी बंद की जाए अगर आप रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जो जितने भी लोगों को निकालना है तो उसकी जो है सारी लिस्ट मांगी है सिविल सर्विस कमीशन ने जो है लिस्ट मांगी है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से और ये जल्दी ही जो है लिस्ट दी जा रही है और जितने लोगों को निकालना है उनकी लिस्ट जारी की जा रही है। जारी करने के बाद में उन लोगों को निकाला जाएगा और उनकी जगह जितने भी कुवैती नागरिक हैं जो बिना जॉब वाले हैं उनको रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी समझ सकें और अगर आप काम करते हैं तो घबराइएगा नहीं क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं जो बैठने का काम करते हैं जो इसी वगैरह में बैठने का काम करते हैं उनको ही निकाला जाएगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं जो ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम करते हैं उनको बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।